गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखेंगे साइंस स्टैंडर्ड के चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के अंतर्गत जो टॉपिक है इसको देखिए, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक और वातावरण। देखिए, नाउ अ डेज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लास्टिक वेस्ट हैज बिकम ए सीरियस हैजार्ड सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज एंड इज नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली आल्सो। इन दिनों जो विकसित देशों में प्लास्टिक क्या हो गया, प्लास्टिक का जो वेस्ट है वह एक गंभीर समस्या हो गई है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वह बहुत कई वर्षों में डिकम्पोज होता है या नहीं होता है, और यह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है ना, इन्वायरमेंट के लिए अनुकूल नहीं है। सिंथेटिक मटेरियल टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट बर्न्ड कम्प्लीटली, और जो संश्लेषित पदार्थ हैं वह पूर्ण रूप से जलने के लिए लंबे समय लेते हैं। एज ए रिजल्ट इट रिलीजेज ए लॉट ऑफ पॉइजनस गैसेस काजिंग एयर पॉल्यूशन, और परिणाम स्वरूप इससे जो है अधिकांश जो है बहुत सी जहरीली गैस निकलती है जो कि वायु प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। अब देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू रिसाइकिल एज दे बर्न और कार ऑन हीटिंग, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उन्हें जलाना बहुत ही कठिन होता है, उनको रिसाइकिल करना कठिन होता है, क्योंकि गर्म करने पर क्या होते हैं, जलते हैं। दे आर रिसाइकिल बाय हीटिंग टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वे उनको रिसाइकिलिंग करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने पर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोलाइसिस, और इस प्रक्रिया को पायरोलाइसिस बोलते हैं स्टूडेंट्स। आप आगे देखिए, प्लास्टिक प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन बर्न, और प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, सो दे आर बर्न इन इंसिनरेटर विद अदर कम्बेस्टिबल वेस्ट, इसलिए उन्हें इंसिनरेटर में जलाए जाते हैं दूसरे ज्वलनशील वर्ज्य पदार्थों के साथ। इंसिनरेटर क्या है, जो समथिंग वेयर मटेरियल कैन बर्न, ये क्या होते हैं, एक प्रकार के मशीन होते हैं, उनमें जो है जो वेस्ट जलाए जाते हैं। द हीट प्रोड्यूस्ड कैन बी यूज टू हीट होम्स एंड फैक्ट्रीज, और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे जो घरों को गर्म करते हैं या कारखानों को। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, सम प्लास्टिक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड एलॉन्ग विद हीट। दुर्भाग्यवश कुछ प्लास्टिक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करते हैं और हाइड्रोजन साइनाइड उष्मा के साथ। दीज आर हाईली टॉक्सिक एंड इट्स रिमूवल प्रियर टू रिलीज ऑफ एनी वेस्ट गैसेस इन टू एटमॉस्फियर मस्ट बी एंश्योर, और ये बहुत ही विषाक्त होते हैं, और इसका जो रिमूवल है, जो वेस्ट गैसें निकलती हैं उनका एटमॉस्फेयर में निकलने से पहले उनका क्या होना चाहिए, उनकी रोकथाम होनी चाहिए, वायुमंडल में निकलने से पहले उनकी उन गैसों की रोकथाम होनी चाहिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, एट प्रेजेंट वर्तमान में इट इज अनइकोनॉमिकल टू रिसाइकिल मोस्ट प्लास्टिक वेस्ट, और वर्तमान में यह क्या है, अधिकांश जो प्लास्टिक वेस्ट है उनकी रिसाइकिलिंग क्या है, बहुत कठिन है। या अब देखिए कठिन है, आप दिस इज बिकॉज ऑफ द मोस्ट दिस इज द बिकॉज ऑफ द कास्ट इन्वॉल्व इन द कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ हीट, और यह ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्लास्टिक का कलेक्शन, प्लास्टिक वेस्ट उनके कलेक्शन और अलग करने में जो खर्च आता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्लास्टिक इज फार चीपर फ्रॉम क्रूड ऑयल, और जो क्रूड ऑयल से नया प्लास्टिक बनाना क्या है, वो भी क्या है, महंगा है। सिंस आयल हैज बिकम स्कैर्स एंड एक्सपेंसिव, रिसाइकिलिंग विल ग्रेजुअली टर्न आउट टू बी ए बेटर कास्ट इफेक्टिंग ऑप्शन, चूँकि जो आयल है वह क्या है, आयल की कमी है
और एक्सपेंसिव रिसाइकिलिंग की वजह से जो है यह धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है, टर्न आउट टू बी ए बेटर कास्ट इफेक्टिव ऑप्शन, और यह काफ़ी महंगा भी है। दैट्स वे एक्सटेंसिव रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट इनटू पैरेलल, इसलिए जो अधिक से अधिक जो रिसर्च हो रहे हैं पैरेललिसिस में, पैरेललिसिस को करने में। अब आगे देखिए, हियर आर ट्रू टू लाइफ एक्शंस यू कैन फॉलो बेस्ड ऑन द फोर आर एस प्रिंसिपल्स, यहाँ पर जो जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उन पर आधारित जो फोर आर एस के सिद्धांत हैं उसको देखिए। रिड्यूस, वी शुड रीड ईमेल्स ऑन द मॉनिटर लैपटॉप इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग देम। रिड्यूस में क्या है स्टूडेंट्स, कि हमें जो ईमेल्स हैं वह मॉनिटर या लैपटॉप में पढ़ने चाहिए, प्रिंट उनको प्रिंटिंग करने के बजाय, उनको पेपर पर प्रिंट करने के बजाय जो ईमेल्स हैं वो मॉनिटर या लैपटॉप पर ही पढ़ लेना चाहिए। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, रीयूज, रिसाइकल, वी शुड रिसाइकल पेपर एंड मेक रिसाइकल नोटबुक्स आउट ऑफ स्क्रैप पेपर, हमें पेपर की रिसाइकलिंग करना चाहिए और जो पेपर है, स्क्रैप पेपर है, वेस्ट पेपर है, उनसे नया नोटबुक बनाना चाहिए। रिकवर क्या है, वी कैन मेक कंपोस्ट विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेस्ट एट होम, हम कंपोस्ट बना सकते हैं, जो फल और सब्जियां वेस्ट हैं उससे घर पर ही कंपोस्ट बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फोर आर एस प्रिंसिपल्स, वी कैन इंप्लीमेंट दीज इन मेनी अदर सिचुएशंस, और यह जो है कुछ उदाहरण है फोर आर सिद्धांत के, हम इनका दूसरे परिस्थितियों में भी उपयोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू सीन ए गार्बेज माउंड वेयर एनिमल्स, क्या आप देखे हैं कूड़े का ढेर जहाँ पर कि जंतु, स्पेशली काउच कैन बी सीन स्वेलिंग मटेरियल्स लाइक रैपर्स ऑफ फूड एंड पॉलीथीन बैग्स ईटीसी, आप देखे हैं कूड़े कचरे का ढेर जहाँ पर कि जंतु जैसे मुख्य रूप से गायें, वह पदार्थ जैसे भोजन के रैपर्स पॉलीथीन बैग्स को निगलते हुए, दिस प्लास्टिक मटेरियल कैन काज चोकिंग ऑफ देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कैन अल्टीमेटली बी द काज ऑफ देयर डेथ, और ये पदार्थ जो है उनके श्वसन तंत्र को रोक ब्लॉक कर सकते हैं और उससे उनकी डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। द प्लास्टिक्स मटेरियल केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू, और जो प्लास्टिक के पदार्थ हैं यहाँ वहाँ लापरवाही से फेंकने से या जो ड्रेन को भी क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ड्रेनेज जो पाइप सिस्टम होता है उसको भी क्लॉग कर दे, रोक देते हैं। वेरी ऑफन वी हैव सीन पीपल थ्रोइंग रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट सीटीसी ऑन रोड आर इन पब्लिक प्लेसेस, हम अक्सर देखते हैं लोगों को चिप्स के रैपर, बिस्किट के रैपर को फेंकते हुए सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर। वी शुड वी नॉट थिंक ट्विस्ट बिफोर डूइंग सो, क्या हमें ऐसा करने से पहले दो बार नहीं सोचना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप द पब्लिक प्लेसेस क्लीन, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप क्या मापदंड सुझाएंगे सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखने के लिए। आप देख लीजिए, सेविंग इन्वायरमेंट, वातावरण का को बचाना। ओके स्टूडेंट, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, इंस्टेड मेक यूज ऑफ जूट और कॉटन बैग्स, हमें प्लास्टिक का यूज, प्लास्टिक के उपयोग को रोकना चाहिए, उसके स्थान पर जूट और कॉटन के बैग का थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उन्हें अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, और यह जो है अधिक अच्छा है प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स विच कैन बी रिसाइकिल, और जो उन आइटम्स जो पदार्थों की लिस्ट बनाइए जिनको कि रिसाइकिल कर सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकिलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड इनटू द मटेरियल, और रिसाइकिलिंग के समय कुछ
जो कलरिंग एजेंट है जो कलर प्रोवाइड करते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं पदार्थ मटेरियल में। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन वाटर बॉडीज आर ऑन द रोड, और जो प्लास्टिक के वेस्ट हैं उन्हें जल स्रोत